पंजाब कांग्रेस ने बठिंडा और फिरोजपुर से अपने उम्मीदवारों की घोषणा को एक बार फिर से रोक दिया है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि फिरोजपुर से शेर सिंह घुबाया और सुखबीर बादल में मुकाबला होने जा रहा है। बठिंडा से कांग्रेस की टिकट के लिए कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं। बठिंडा और फिरोजपुर की चर्चा करने से पहले आइए कांग्रेस ने जिन उम्मीदवारों की घोषणा की है उनकी बात कर लेते हैं। अनंतपुर साहब से कांग्रेस ने मनीष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। मनीष तिवारी यूपीए 2 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे हैं। तिवारी को हिंदू कोटे से अनंतपुर साहब से टिकट मिला है। अनंतपुर साहब सिखों का बड़ा तीर्थ स्थान है, लेकिन अनंतपुर सीट पर हिंदू बहुगिनती में है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा मनीष तिवारी को टिकट देने की पैरवी की गई थी। संगरूर से कांग्रेस ने केवल सिंह ढिल्लों को अपना उम्मीदवार बनाया है। केवल सिंह ढिल्लों पुराने कांग्रेसी और सदे हुए राजनेता हैं। कई बार पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। किसी समय केवल ढिल्लों को पंजाब विधानसभा का सबसे अमीर सदस्य माना जाता था। संगरूर में केवल सिंह ढिल्लों का मुकाबला आम आदमी पार्टी के भगवंत मान और अकाली दल के परमिंदर ढींडसा से होगा। फिरोजपुर से कांग्रेस की टिकट के लिए राणा सोडी और शेर सिंह घुबाया में पेच फंसा हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह राणा सोडी को बेहतर उम्मीदवार मानते हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने शेर सिंह घुबाया को टिकट दिलाने के लिए प्रतिष्ठा दांव पर लगा रखी है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने शेर सिंह घुबाया को टिकट देने का पक्का मन बना लिया है, सिर्फ औपचारिक ऐलान करना ही शेष है। अकाली दल से भी फिरोजपुर से सुखबीर सिंह बादल को उम्मीदवार बनाने की पक्की खबरें आ रही हैं। इससे लगता है कि फिरोजपुर में शेर सिंह घुबाया और सुखबीर बादल में मुकाबला होना तय है, लेकिन दोनों तरफ से अभी औपचारिक घोषणा को टाला जा रहा है। अगर बठिंडा लोकसभा सीट की बात करें तो गेंद एक बार फिर से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पाले में आ गई है। बठिंडा से कांग्रेस की टिकट के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुत्र रणेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है। रणेंद्र सिंह 2009 में बठिंडा से अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल से चुनाव हारे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जद्दी गांव महराज बठिंडा के रामपुरा फूल तहसील में है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेटी जय इंदर कौर के पुत्र निर्वाण सिंह का नाम भी बठिंडा से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चर्चा में आया था। बठिंडा लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट के लिए एक और नया नाम विजय इंद्र सिंगला का आ रहा है। विजय इंद्र सिंगला को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस बठिंडा सीट के पंजाबी अग्रवाल और हिंदू मतदाताओं को टारगेट करना चाहती है। पिछली बार विजय इंद्र सिंगला ने संगरूर से चुनाव लड़ा था और तीसरे स्थान पर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने प्रोफेसर बलजिंदर कौर को उम्मीदवार घोषित करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। विपक्ष कांग्रेस पर हरसिमरत बादल के सामने कमजोर उम्मीदवार खड़ा करके अकाली दल से मिली भगत के आरोप लगा रहा है। कांग्रेस के सामने पहली चुनौती इस आरोप को झूठा साबित करने की होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।